आज जो क्वेश्चन जो होगा वो नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, आभास और सअभास संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए इस क्वेश्चन को। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है, पढ़िए उसके बाद देखिए क्वेश्चन। इसमें जो कहता है आभास और सअभास, इसमें जो क्वेश्चन देखिए एक नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट अनंत तक। अब देखिए जैसे कि कितना है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब होता है क्या, एक से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक रहता है। अनंत तक अगर हो, जैसे कि देखिए अगर प्राकृत संख्या आपको पूछ लिया जाए, ऑप्शन में आपको दे दिया जाए, तो आप प्राकृत संख्या कैसे पहचान लीजिएगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4 बीच में से किसी भी संख्या आपको उठाकर दे दे, इसमें पूछे आपको कौन प्राकृत संख्या है, कौन प्राकृत संख्या है, तो आप पहचान लीजिएगा कि ये प्राकृत संख्या। इसीलिए एक से लेकर अनंत तक जितना किसी भी संख्या उठाकर आपको दे सकता है, इसलिए ये हुआ प्राकृत संख्या। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहता है सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। अगर आपको पूर्ण संख्या पूछ ली जाए, इसमें बताइए कौन पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कौन है, तो देखिए इसमें से लेकर इसमें आप किसी भी संख्या को चुनकर बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या है। इसीलिए आपको समझ में रहेगा तभी आप बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बताइएगा। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होता है क्या, जीरो से लेकर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होता है 0 से लेकर 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। इसमें से कोई भी प्रश्न आपको उठाकर ऑप्शन में दे सकता है, इसमें पूछेगा आपको पूर्ण संख्या बताइए कौन है, पूर्ण संख्या बताइए कौन है, तो इसमें से आप चुनकर बता सकते हैं कौन पूर्ण संख्या है, कौन प्राकृत संख्या है। ये सेम चीज़ है, खाली पूछने का तरीका अलग है। इसलिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। अब देखिए कहता है कि सम संख्या बताइए, सम संख्या। अब देखिए सम संख्या, तो सम संख्या कौन हुआ, 2 है सम संख्या, 4 है सम संख्या, 6 है सम संख्या, 8 है सम संख्या, जो भी सम संख्या रहे, जो भी सम संख्या पूछे सम संख्या कौन है। अब वही पूछ लिया जाए तो बताइए कि पहली प्राकृत संख्या कौन है, तो पहली प्राकृत संख्या अगर पूछ लिया जाए तो पहली प्राकृत संख्या कौन है, 2 है पहली प्राकृत संख्या। पूछ लिया जाए पहली सम संख्या कौन है, पहली सम संख्या कौन है, पहली सम संख्या 2 हो जाएगा, पहली सम संख्या 2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगर आपको सम संख्या पूछे, सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 8, 10 ये सब हुआ सम संख्या। और सम संख्या में एक नियम है, इसमें आपको पहली प्राकृत संख्या, तो 2 हुआ पहली प्राकृत संख्या। अब देखिए इसी में आपको 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है विषम संख्या, विषम संख्या हम कैसे पहचानेंगे, विषम संख्या होता है क्या, रहेगा विषम संख्या अगर आपको 1, 3, 5, 7, 7, 9, 11 ये सब रहे, तो ये हुआ विषम संख्या। अगर आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 ये सब अगर आपको रहे तो ये हुआ विषम संख्या, क्या हुआ विषम संख्या। अब देखिए इसी में आपको पूछा 2 विषम संख्या का योग हमेशा 1 सम संख्या के बराबर होता है, 2 विषम संख्या का योग हमेशा 1 सम संख्या, जैसे 2 विषम संख्या, तो विषम संख्या लीजिए 3 लीजिए और विषम संख्या 5 लीजिए, इसको जोड़िए 1 सम संख्या बन जाता है, 1 सम संख्या बन गया। इसीलिए कहता है 2 विषम संख्या का योग हमेशा 1 सम संख्या होता है। उसी प्रकार 2 विषम संख्या गुणनफल हमेशा 1 विषम संख्या होता है, 2 विषम संख्या लीजिए, विषम संख्या लीजिए 3 लीजिए और उसके बाद 5 लीजिए, ऐसा गुणनफल कीजिए 15 होता है, 15 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, 15 एक विषम संख्या है। इसीलिए
कहता है दो विषम संख्या का गुणनफल हमेशा एक विषम ही होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या, अब देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या क्या कहता है, अभाज्य संख्या जो है 2, 3, 5, 7 ये सब रहे तो ये हुआ अभाज्य, ये क्या हुआ अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ये सब अगर रहे तो क्या हुआ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम देखिए 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए कौन है तो 2 है, सबसे छोटा अभाज्य कौन है 2 है, और उसी में पूछा 2 एक क्या है सम संख्या है, इसी प्रकार आपको अभाज्य संख्या पूछे तो 2, 3, 5, 7 ये सब होता है अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये सब हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब देखिए 9 नहीं होगा, उसी प्रकार 9 नहीं होगा, उसका 15 नहीं होगा, 15 अभाज्य संख्या नहीं क्योंकि कट जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या 15 नहीं है। इसीलिए अभाज्य संख्या पूछे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके, फिर देखिए 19 है, 19 का 21 नहीं होगा, 23 होगा अभाज्य संख्या, इसी प्रकार से आप अभाज्य संख्या को लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कहता है सह अभाज्य संख्या बताइए, सह अभाज्य संख्या, तो सह अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, सह अभाज्य के मतलब होता है इसमें एचसीएफ एक होना चाहिए, इसमें एचसीएफ एक होना चाहिए। जैसे कि देखिए सह अभाज्य में होता है इसमें एचसीएफ एक होना चाहिए, जैसे देखिए, जैसे कि आप लीजिए, जैसे कि 4 है और 5 है, इसमें देखिए एचसीएफ हमको एक आना चाहिए, एचसीएफ एक, क्योंकि देखिए इसका अंतर कितना है एक का है, इसका मतलब ये एचसीएफ सही है, ये एचसीएफ है, ये सहभाज्य संख्या है। अब कैसे हम जाने इस तरीका से जान सकते हैं, और देखिए छोटा संख्या है उसको भाग देकर भी आप बना सकते हैं, जैसे देखिए 5 में 4 से भाग दीजिएगा एक बारी में, फिर देखिए 5 में से 1, फिर 4 को उतारिए, 1 से 4 बारी में कट गया, तो देखिए इसलिए 4, 5 का इसका क्या एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 1, ये होता है एचसीएफ, एचसीएफ भाग विधि से ऐसे करके आप बनाते थे, इसलिए आपको एचसीएफ 1 हो जाएगा, जो आएगा जिसे आप भाग दिए हैं वो जो बचता है वही एचसीएफ, पूरा कट जाने पर जो बचता है वही एचसीएफ होता है। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं, उसी प्रकार देखिए सह अभाज्य पूछे तो आपको एचसीएफ इस टाइप से निकल सकता है, इसीलिए आपको इसलिए ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद देखिए शून्य एक क्या है, शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, वहाँ क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 से कम सभी अभाज्य संख्या कितनी है, 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 50 से कम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5 ऐसे करके शुरू होता है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है, अभाज्य संख्या देखिए क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7 ऐसे करके अभाज्य संख्या, तो देखिए 2, 3, 5 उसके बाद 7 उसके बाद 11 उसके बाद 13 उसके बाद 17 उसके बाद 19 उसके बाद 19 के बाद होता है 23 के बाद हो जाएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 के बाद हो जाएगा 37 के बाद हो जाएगा 39 भी नहीं होगा 37 उसके बाद 38, 39, 40, 41 के बाद होगा 43 के बाद हो जाएगा 44, 45, 46, 47 नहीं होगा 48 ही नहीं होगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कहता है कि आप 50 से कम सभी अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितना है 14 है, तो कहता है 50 से कम सभी अभाज्य संख्या कितनी संख्या 14 है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो एक संख्या छूट गया था, क्या छूट गया, 47 छूट गया, उसमें 14 नहीं होगा
उसमें 15 आंसर उसका है, उसका आंसर जो होगा 15 है, क्योंकि 50 से कम सभी अभाज्य संख्या का कितनी है, संख्या कितनी है, 15 हो जाएगा, क्योंकि 47 में छूट गया था, इसलिए कुल मिलाकर हो जाएगा 15 आंसर। उसके बाद कहता है दो सम संख्या का योग क्या होगा, दो सम संख्या का योग क्या होगा, सदैव सम होगा, सदैव सम होगा। कैसे सदैव सम होगा, जैसे कि दो सम संख्या, दो लीजिए और चार लीजिए कितना होता है 6, आठ लीजिए और 6 लीजिए कितना होता है 14, सम ही आता है। इसीलिए अब देखिए सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या दो है, सम अभाज्य संख्या दो है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन में है, उस क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन में ये इसमें क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन है संख्या 3257 में 2 और 7 का स्थान परिवर्तन करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। अगर आपको 3257 तो देखिए 3257 इसको क्या कहता है, 2 और 7 को स्थान परिवर्तन कर दीजिए, 2 के जैसे कि 3 है, 2 के स्थान पर 7, उसके 5, 7 के स्थान पर 2। अब देखिए क्या हुआ, नया हो गया, नया संख्या ये पुराना संख्या, नया संख्या बनकर निकल गया हमको इतना। अब देखिए क्या कहता है, इतना परिवर्तन संख्या क्या होगी, तो पूर्व संख्या से बड़ी है, पूर्व संख्या से बड़ी है, ये छोटी थी बड़ी हो गई, ये था 3257 ये 3752 हो गया, क्योंकि पूर्व से बड़ी है, यही सही है। अब देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, पूर्व से बड़ी। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है, तो कोई भी दो सम संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, कोई भी सम संख्या सह अभाज्य नहीं होगा। जैसे कि कोई भी सम संख्या लीजिए 2 और 4 दोनों सम है, दोनों सम है, कहता सह अभाज्य संख्या, कोई भी दो सम संख्या सह अभाज्य नहीं होगा, तो दो सम संख्या सह अभाज्य होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, जुड़वा अभाज्य संख्या बताइए, जुड़वा अभाज्य संख्या, तो जब दो अभाज्य संख्या, जब दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 है तो क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए, जैसे कि आपको 3 5 रहे, 3 5 रहे, अब इसमें देखिए जिसका अंतर 2 रहे, जिसका अंतर 2 रहे वो होगा जुड़वा संख्या। अब देखिए अगर आपको 11 13 दे दिया जाए, इसमें जुड़वा संख्या 2 अंतर है, ऑप्शन के थ्रू आपको ऑप्शन दिया रहेगा, इस अनुसार से आप मार सकते हैं। जैसे देखिए 11 और 13 इसमें अंतर 2 है, इसका मतलब जुड़वा संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या है। 3 5 रहे, इसका मतलब 2 अंतर है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए अगर आपको दे दिया जाए 13 और 11 13 दिया हुआ है, तो 2 अंतर है, 3 और 5 है, अंतर कितना है, अंतर 2 है। इस टाइप से आप उदाहरण के अनुसार आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इनमें से कौन सही है, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ ऑप्शन में, देखिए एक नंबर में एम देखिए दिया हुआ है -16 12 -5 उसके बाद 15। उसके बाद बीम देखिए, बीम है -16 उसके बाद छोटा -20। सिम देखिए, सिम कहता है -16 छोटा और बड़ा है, 16 बड़ा है -1 छोटा है। उसके बाद डीम देखिए कहता है, डीम है -16 बड़ा है -3 से। अब देखिए इसमें समझने की बात है, अब देखिए इसमें देखिए कौन बड़ा है, इसमें कहता है 16 बड़ा है, एक बार 16 बड़ा नहीं है, क्योंकि माइनस में ज़्यादा 16 है, ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा कर्ज में है, और ये कम है इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि माइनस में जितना ज़्यादा रहेगा कर्ज में उतना उसको कोई वैल्यू नहीं है। जैसे देखिए -16 ज़्यादा है इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसमें देखिए कम लिया हुआ है, कम माइनस में है, इसलिए ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा है, इसका मतलब गलत है। अब देखिए बी में, बी में देखिए क्या,
ये कहता है ये बड़ा है, माइनस 20 बड़ा है, क्योंकि बड़ा नहीं है, ज़्यादा कर्ज में है, ज़्यादा माइनस माइनस जो है ज़्यादा है, इसलिए माइनस 16 बड़ा होना चाहिए, ये भी गलत है। अब देखिए इसमें 16 में इसमें कहता है क्या, माइनस 16 एक बड़ा है, एक बड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि एक बड़ा है, इससे बड़ा है एक, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है, क्योंकि माइनस 16 जो है वो माइनस में है, ये प्लस में एक है, इसका मतलब यही बड़ा है, यही एक बड़ा है, इसका मतलब सही है। उसके बाद डीम देखिए 16 माइनस 16, माइनस 16 क्या है, बड़ा है, और माइनस 3 माइनस नहीं, ये बड़ा नहीं होगा। उसके बाद देखिए माइनस 16, माइनस 16 है, ज़्यादा माइनस में ज़्यादा है, और ये देखिए माइनस 3 माइनस कर्ज में कम है, कम है, इसका मतलब इसका डी सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि माइनस 3 है और 16 माइनस 16 16 जो है ज़्यादा है, कर्ज में ज़्यादा है, अब माइनस 3 कम में है, इसका मतलब डी इसका सही होगा। ये पर्थ कहता है 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योगफल क्या हो, योगफल मतलब होता है जोड़, योगफल टोटल को जोड़ लीजिए, तो प्रथम 10 अभाज्य, अभाज्य को मतलब होता है शुरू होता है अभाज्य 2, 3, 5, उसके बाद 5 के बाद 7, 11, 13 के बाद होता है 17 के बाद होता है 19 के बाद होता है 23 के बाद होता है 23 उसके बाद 29 कितना 10 को कहता है 2, 4, 6, 8, 10 10 को पुर गया, 10 अभाज्य संख्या पुर गया। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए 3, 2, 5, 5, 10, 10, 17, 17, 11 कितना होता है 17, 11 होता है 28 हो गया। 28 के बाद जोड़िए 28 और 13 तो कितना होता है 28 13 30, 40, 41 हो गया 41 और 17 कितना हो जाएगा 58 कितना हो जाएगा 20 77 हो जाएगा 77 और 23 77 23 कितना हो जाएगा 7 3 10 कि 1 9 10 उसके बाद 29 तो 129 इसका आंसर हो जाएगा। इसका योग पूछा है, योगफल क्या हुआ, योगफल 129 चलाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में देखिए कहता है, यदि ए स्टार बी बराबर ए पर पावर बी तो 5 स्टार 3 का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखिए। अब जो है ए स्टार कितना है बी बराबर ए पर पावर बी तो क्या कहता है 5 के प्लस स्टार 3 इसका मान निकालने के लिए कहता है। इसको मान कैसे निकालेंगे देखिए, 5 है जैसे है वैसे आप लिख दीजिए 5 स्टार 3 उसके बाद देखिए ए है, इसका मतलब ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ए जब है तो ए कौन है 5 लिखिए, उसके बाद बी है, बी कौन है 3 जाएगा ऊपर, 3 आएगा इधर, 3 पावर पर चलाएगा, पावर पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 का मतलब हुआ ए हुआ 5 और 3 हुआ बी, तो यहाँ देखिए ए के पावर बी है तो यहाँ 5 आएगा ए पावर मतलब हो जाएगा 3। अब देखिए 5 का क्यों कितना होता है 5 के 5 बारी गुना होगा, जिसके पावर जितना रहेगा उतना बारी गुना होगा। अब गुना करिए 25 25 और 25 को 5 से करिए 25 25 2 10 2 12 125 इसका आंसर निकल कर चलाएगा, इसका आंसर 125 आ जाएगा। चलिए